अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को देख भी रहे होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो में बगैर टाइम जाए कि मैं बताता चलूँ कि हम क्या करने लगे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वाइज बिजनेस या फिर वाइज पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं बताऊंगा तो सारा डिटेल में, लेकिन एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखा करें। अगर मैं पहले भी बात करता हूँ कि अगर आप लोगों को श्योर है कि आप लोग सारा काम ठीक से कर सकते हैं तो किया करें, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें आपका जो है ना, आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप अच्छा खासा अपने लॉस कर सकते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लें और उन्हें पे कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि पहले आप अपना एक्सपेरिमेंट करके नुकसान करें और उसके बाद जो है आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले रहे हो। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो वाइज बिजनेस है या फिर वाइज पर्सनल अकाउंट है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिस चीज़ का मैं खास तौर पे ख्याल रखता हूँ। आप लोग दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि एक पीसी और एक इंटरनेट पे सेम पॉलिसी जो हम अमेजोन में अप्लाई कर रहे होते हैं, वही मैं वाइज के सिलसिले में भी अप्लाई कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। कि वाइज का अकाउंट बनाने के लिए जो लैपटॉप या फिर जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई दूसरा अकाउंट जो है वो आप कम अज़ कम उसी टाइम ना बनाएं जिस टाइम आपका पहले वाला अकाउंट अभी साइन अप के प्रोसेस में है। ठीक है, मतलब एक दफ़ा आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, कम्प्लीटली चलने लग जाए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ नहीं करता, मैं डिफरेंट पीसी का अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एनी डेस्क के थ्रू जो है अपने किसी दोस्त के कंप्यूटर पे या फिर किसी लैपटॉप पे चला जाता हूँ और उस पर जाके नए से नए अकाउंट्स बना रहा होता हूँ। जब अकाउंट ख़त्म हो जाए तब मैं वापस अपने पहले वाले पीसी पे या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पे आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता ये अप्रोच किस हद तक ठीक है, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है ये। ठीक है, अगर लेकिन ये कि ऑब्वियसली आपके लिए मल्टीपल डिवाइसेस अरेंज करना अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन हमारे इतने दोस्त होते हैं जिनको शायद वाइज का अमेजोन के बारे में भी ना पता हो, उनका लैपटॉप आप यूज़ करें दोस्त और कब काम आएंगे, इसी टाइम काम आते हैं। अच्छा, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शॉट के जो है ना, स्क्रीन शॉट से समझा रहा हूँगा, क्योंकि अभी मैं ऐसा कोई अकाउंट बना नहीं रहा, मैंने स्क्रीन शॉट लेके रख लिए थे जब मैं लास्ट टाइम अकाउंट बना रहा था, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ या फिर बता सकूँ। ठीक है, तो वो स्क्रीन शॉट्स, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो सारे के सारे स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने स्क्रीन शॉट्स उसमें लिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि wise.com पे जाना है और वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्टर का, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने क्रिएट योर वाइज अकाउंट, मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पे देना है अपना ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उस ईमेल एड्रेस को के ऊपर पहले कोई वाइज का अकाउंट ना बना हुआ हो। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो कहेगा कि आपका पहले भी अकाउंट है। और यू कैन लॉग इन विद जी मेल, फेसबुक, एप्पल, लेकिन मैंने ये कभी ट्राई नहीं किए, तो मैं सिंपल जो है यहीं से ही अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसमें आप ईमेल दे देंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने एनोटेशंस को मैं बंद ही कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ईमेल एड्रेस आपने दे दिया। नेक्स्ट अब आपसे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन टू टुडे। आप इसमें पर्सनल भी पहले बना सकते हैं, बिजनेस भी पहले बना सकते हैं। मैं जो चीज़ फॉलो कर रहा होता हूँ, मैं पहले बिजनेस अकाउंट बनाता हूँ, उसके बाद जो है उस पर उन्हीं डिटेल से पर्सनल अकाउंट बना रहा होता हूँ। तो बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे और नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद आपको वो एक फ़ोन नंबर मांगेगा आपसे, लेकिन इसमें मसला कोई नहीं है। अगर आप US का अकाउंट बना रहे हैं तो आप पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके OTP के लिए यूज़ हो रहा होगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो पहले किसी वाइज का अकाउंट बनाने के लिए वो नंबर यूज़ ना हुआ हो। ठीक है, आपके पास OTP आएगा, OTP आप लिख के सबमिट करवा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे वो आपकी डिटेल्स पूछेगा, कंफर्म रजिस्टर्ड एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस वो देना है जो आपकी LLC का या फिर आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डिटेल में दे रहे होंगे। बिजनेस एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी, जिप कोड आ जाएगा। मेरे ख्याल इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो एड्रेस परचेज किया होगा LLC के लिए, यूनिक एड्रेस वो आप यहाँ पे दे रहे होंगे। नेक्स्ट आपने कंफर्म करना है, जब आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है सिंपल। और नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा कि कुछ और डिटेल्स पूछेगा। कैटेगरी में आप अगर अमेजोन वगैरह के लिए कर रहे हैं, जो कि मोस्टली पीपल इसीलिए कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे रिटेल, ई कॉमर्स, होलसेल और मैनुफैक्चरिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सब कैटेगरी आपने कौन सी चूज करनी है, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं वो करता होता हूँ जिसमें मैंने जिस कैटेगरी को मैंने चूज किया था EIN अप्लाई करते हुए। ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट है
सोशल मीडिया प्रोफाइल या फिर वेबसाइट आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। साइज ऑफ बिजनेस में आपके पास वन से स्टार्ट हो के काफी लंबा चौड़ा जो है ना एक साइज आ रहा होता है, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पे एक मीडियम सा रख के सेलेक्ट कर देता हूँ कि 2 to 10 जो है मेरे एम्प्लॉयज हैं या फिर टीम मेंबर्स हैं जो कि मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद आपसे वो पूछेगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे डालनी है आपने अपनी डिटेल्स। अच्छा, पहले तक यहाँ पे ये होता था कि जब वाइस हमारे लिए वाइस बिजनेस जो है यूएसए में डेबिट कार्ड नहीं दे रहा था, तो हमें करना ये पड़ता था कि हमें फिजिकल कार्ड जो है वो लेना पड़ता था। अभी भी अगर आप फिजिकल कार्ड लेना चाहें यूएसए में, तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिख के यहाँ पे जब एड्रेस डालने की बारी आएगी, आप अपना सेम वही एड्रेस डाल देंगे जो आपका यूएसए का एड्रेस है। लेकिन देर आर सम पीपल जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है, आपको भी आ सकती है इस चीज़ का, मैं पहले ही आपको बता दूं, तो आपने इस चीज़ को ट्राई करना है तो अपने रिस्क पे करना है। अगर आप यहाँ पे सेम एड्रेस डालते हैं तो आपको वाइस साइन अप के टाइम में या बाद में थोड़ा कुछ अर्से बाद आपसे कह सकता है कि आपका जो एड्रेस है, आपका पर्सनल एड्रेस और आपका बिजनेस एड्रेस सेम नहीं हो सकते, तब आपको ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पाकिस्तानी एड्रेस देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पर्सनल वाइज का जो कार्ड होता है, जो फिजिकल कार्ड होता है, वो आपको नहीं मिल रहा होगा। फिजिकल कार्ड लेने का सिर्फ यही मेथड है कि आप यहाँ पे कोई यूएसए का ही एड्रेस दे रहे हो, और यूएसए का वो एड्रेस आप यहाँ पे दे रहे हो जिसके लिए आप बाद में अगर आपसे वो मांगे, आप यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे सकें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस देना है। तो नहीं तो सिंपल मेथड यही है कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी एड्रेस दें, हमें डेबिट कार्ड की जरूरत होती है, डेबिट कार्ड हमें वाइस बिजनेस जो है आजकल यूएसए में भी देने लग गया तो हमें वहाँ से मिल जाता है, तो हमें कोई इस तरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिजिकल कार्ड को वैसे भी आप कहाँ संभालते फिर रहेंगे, तो आप मेरे ख्याल में आप ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे अपना पाकिस्तानी एड्रेस दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी एड्रेस और अपना नाम और अपनी डिटेल्स डाल दी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने वही डालनी है जो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपने अपना जो है बिजनेस का आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे कलेक्ट ई कॉमर्स सेल्स और इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब आपसे वो पूछेगा चूज योर प्लान। अब यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं कि पैसे बचाने के लिए, $31 बचाने के लिए वो यहाँ पे इसेंशियल फीचर्स के साथ 0 USD वाला जो ये है पैकेज, इसको साइन अप कर लेते हैं। लेकिन आप इसको एक दफ़ा अगर पढ़ें तो आप इसमें देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप ये देखें रिसीव पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम सेल्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन और एंड स्ट्राइप। अगर आप अमेजोन और स्ट्राइप के लिए अकाउंट बना रहे हैं तब आपके पास ये वाली फैसिलिटी नहीं होगी, अगर आप एसेंशियल फीचर्स वाले प्लान में जा रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए बना रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है मोस्टली पीपल इसीलिए बना रहे होंगे, तो आपको ऑल बैंकिंग फीचर्स में ही जाना पड़ेगा, जिसमें आप $31 जो है वो वन टाइम फी जो है वो पे कर रहे होंगे। आप चाहे यूएसडी अकाउंट बनाएं, आप चाहे जीबीपी बनाएं, आप चाहे यूरो अकाउंट बनाएं, जो मर्जी अकाउंट, उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक दफ़ा $31 जो है वो पे करने पड़ेंगे, जो कि इनकी प्रोसेसिंग फीस होगी, वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जब आप ऑल बैंकिंग फीचर्स पे क्लिक करते हैं और आपसे अगर वो पेमेंट का कह रहा है ना, लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कौन सा जो कार्ड है यहाँ पे यूज़ करें, हमने मल्टीपल कार्ड्स ट्राई किए हैं लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सारे कार्ड कैंसिल हो ही जा रहे हैं, ठीक है। इसका हमारे पास फिलहाल कोई भी ऐसा सॉलिड ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि आप मिजान बैंक का कार्ड यूज़ कर लें या आप सादा पे यूज़ कर लें या नया पे यूज़ कर लें तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का भी कोई भी कार्ड एक्सेप्ट हो सकता है। नॉर्मली ये होता है कि मास्टर कार्ड वाले कार्ड जो हैं वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मास्टर कार्ड यूज करेंगे तो लाजमी एक्सेप्ट हो जाएगा, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको देता चलूँ, अगर आपका एक कार्ड रिजेक्ट होता है ना, आपने उसी टाइम वही कार्ड या दूसरा कोई भी कार्ड ट्राई नहीं करना। एक कार्ड आपका रिजेक्ट हो गया, जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स। फर्ज करें अगर अभी 6:30 हो रहे हैं, अगर मेरा कार्ड एकदम डिक्लाइन हो गया है, तो मैं अगली ट्राई अपनी कल शाम को 6:30 बजे के बाद, मतलब तकरीबन 7 बजे के करीब करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें, मुझे भी स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम आई थी इस चीज़ को, मैंने जब इस पे ट्राई किया तो मेरा जो है ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है कि सारे अकाउंट्स जो हैं उसमें मुझे कभी भी ये $31 पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। उसमें ये होता है कभी आपका कोई कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, कभी कोई कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, और ये कि आप अगर आपका कोई यूएस में कोई जानने वाला है तो उससे भी आप अगर उसका कार्ड यूज़ कर सकें, अगर आप पे वो इतना इतना ट्रस्ट करता है तो आप बिल्कुल वो वाला कार्ड भी उनका यूज़ कर सकते हैं इस वाली पेमेंट के लिए। नहीं तो अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर्स तो हैं ही कि वो आपसे ऊपर जो है कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे ऑब्वियसली, और आपके लिए वो ये वाली पेमेंट जो है वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये कि उससे पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिस हद तक आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे ऑल बैंकिंग फीचर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने जाना है व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग
वाइज यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे कि एक आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, सेकंड होगा कि रिसीविंग मनी, थर्ड है कि फॉर बोथ पेइंग सप्लायर एंड रिसीविंग मनी। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है। अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है तो आप यहाँ भी अपनी सिर्फ डिटेल्स डाल देंगे ओनर की। अगर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी है तो आपको जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जितने भी ओनर्स हैं उसके, जितने भी मैनेजिंग मेंबर्स हैं, सबकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस उनका सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंस का मतलब ये होता है कि अभी वो कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी है और वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आएगा हु आर द बिजनेस ओनर्स। अच्छा, इसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है, इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि क्या ऐसे कोई लोग हैं जो कि आपकी कंपनी में या फिर आपके बिजनेस में 25 या फिर इससे ज़्यादा के शेयर्स जो है वो रखते हों। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली ये होता है, हमारी सिंगल मेंबर एलएलसी होती है तो हम कहते हैं आई एम द ओनली ओनर, के मैं सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास 25% से ज्यादा के शेयर्स हैं। मतलब क्योंकि एक ही बंदा होता है तो ऑब्वियसली आप यही करते हैं कि आई एम द ओनली ओनर, इसको करके नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे करने के बाद आपसे दोबारा वही डिटेल्स पूछेगा जो उससे आप जो उसने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी, वही डिटेल्स डाल के आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगेगा जो कि हमारे पास नहीं होगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट करें आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन, ठीक है, एंड डू नॉट हैव अ SSN और ITIN। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास ITIN वगैरह बना हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आई एम नॉट यूएस सिटीजन पे क्लिक कर दें। अब वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं हैं या यूएस सिटीजन नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करें कि अपनी आईडी दें जो कि यूएस से की तरफ से इशू ना हुई हो। मतलब आपका पाकिस्तानी हो सकता है, आपका इंडियन हो सकता है, आपका किसी भी कंट्री और का हो सकता है, लेकिन यूएस की जो आईडी है वो नहीं होगी। अच्छा, उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है जो आपने प्रोफाइल पे दी थी अभी थोड़ी देर पहले, वही यहाँ पे आपकी आईडी पे भी होनी चाहिए। और ये कि दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यूएसए की तरफ से इशू ना हो। फ्रंट साइड एंड बैक साइड, अगर आपका आईडी कार्ड है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड अपलोड कर देंगे। अगर आपका पासपोर्ट है तो सिर्फ आप फ्रंट साइड वाले साइड पे जाके चूज अ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। इस साइड को आप वैसे ही ब्लैंक रहने देंगे, कुछ ना कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे वो पेमेंट का कह रहा है, पेमेंट में आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दोनों का मतलब ये कि देखने की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, सिर्फ आपको $31 जो है वो वन टाइम ओपनिंग फी जो है वो पे करनी है। कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए पेमेंट कंप्लीट, तो आप समझ लें आपकी पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। नहीं तो अगर डिक्लाइन वाला एरर आएगा तो वो भी इसी जगह पे आ रहा होगा, जिसका मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया कि उसका हल क्या है। नेक्स्ट, जब आप ये पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपसे वो कहेगा कि हम आपके अकाउंट जो है अभी वेरीफाई कर रहे हैं, रिव्यू में है, उतनी देर आप अपना अकाउंट जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब रिव्यू में कितनी देर रहेगा उसमें डिपेंड करता है। समटाइम्स ये होता है कि आपका एक दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है, समटाइम्स ये भी होता है कि 3 से 4 बिजनेस डेज लग रहे होते हैं, और यूके के लिए यहाँ तक के 8 से 10 दिन भी आपको लग सकते हैं उनके रिव्यू करने में। ठीक है, ये जब आपका रिव्यू हो जाएगा वो आपको कैसे पता लगेगा, आगे आपको बताता हूँ। एक्सप्लोर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, डिटेल्स आ रही हैं, इसमें आपने करना क्या होता है, आप यहाँ पे $0 आ रहा है यहाँ पे जो मैंने अमाउंट सेलेक्ट की होगी। मतलब आपसे वो पहले पूछते हैं कि कौन कौन सी करेंसी में जो है आपने अकाउंट ओपन करना है, वो शायद मेरे से स्क्रीनशॉट मिस हो गया। तो आप यहाँ पे वो सिंपल प्रोसेस है, आप अगर यूएसए में हैं या फिर डॉलर्स में करना चाह रहे हैं, यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो USD सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो फिर आप GBP सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ना, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा। अच्छा, उससे पहले आप कीजिएगा कि आपके पास ईमेल में एक मेल आ जाएगी वेरिफिकेशन की, सेम जैसे आप फेसबुक पे आईडी बनाते हैं या कहीं और आईडी बनाते हैं, वेरिफिकेशन की एक मेल आती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई कर लें। तो आप उसको मेल पे जाके अपनी ईमेल खोल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे लाने के बाद आप यहाँ पे देखें, अब जब आप USD पे $0 पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन ऑफ हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन में है। ठीक है, अभी आपके पास आपके अकाउंट की डिटेल्स जो है वो नहीं आ रही होंगी, तो उसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि वेट करने के लिए अब आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बनाना चाह रहे हैं पर्सनल अकाउंट, इसके साथ साथ ही बिजनेस अकाउंट के हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे, दैट्स ऑल, आपने आगे कुछ नहीं करना। अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आप राइट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे आपकी LLC का नाम आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस पे जाके ओपन अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी कि आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करना है या फिर पर्सनल अकाउंट। जब आप पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे वो
कहेगा कि आपकी सेम डिटेल्स पे मैं अकाउंट बना दूं, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हो सकता है आपकी पर्सनल डिटेल्स दोबारा से मांग ले, लेकिन होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपसे कोई डिटेल्स नहीं पूछता, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आपका पर्सनल अकाउंट भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब आपका अकाउंट एक बार वेरीफाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपके ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा कि योर बैंकिंग डिटेल्स, या फिर इस तरह से कुछ डिटेल्स के नाम से कुछ वर्ड आ रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन आ रही होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे राउटिंग नंबर है आपका, या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। वो आप यूज़ कर रहे होते हो अपने अकाउंट डिपॉजिट मेथड के लिए, अमेजोन में डिपॉजिट मेथड लगाना है उसके लिए भी, अगर आपने किसी को किसी से डॉलर्स आपने फर्ज करें परचेज किए हैं उसके लिए भी आप उसको वो वाली डिटेल्स दे रहे होंगे, राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, और अगर एड्रेस मांगते हैं तो वाइस का एड्रेस भी आप वहाँ पे दे रहे होंगे, या अगर आप यूएसए में किसी से पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो आप डिटेल्स उनको देंगे तो आपके अकाउंट में वो वहाँ से डॉलर्स ट्रांसफर कर सकेंगे। कार्ड पे क्लिक करके कार्ड के ऊपर आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, गेट अ डिजिटल कार्ड, वाइस बिजनेस में डिजिटल कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, और वाइस पर्सनल जो आपको मैंने अभी बताया कैसे बनाएंगे, वो बनाने के बाद जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपका वो दूसरा अकाउंट खुल जाएगा, मतलब एक अकाउंट के अंदर ही दो अकाउंट होंगे, आपके एलएलसी वाला अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जब आप कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिजिकल कार्ड की ऑप्शन आती है, लेकिन अगर आपने यूएसए की डिटेल्स डाली हैं, अगर आपने वहाँ पे पाकिस्तान या किसी और कंट्री की डिटेल्स डाली हैं तो मेरा ख्याल है और किसी भी कंट्री के लिए जो है, शायद कुछ कंट्रीज हों जिनके लिए अलाउ हो, नहीं तो ये कि अगर आप यूएसए की डिटेल्स डालते हो तो आपको फिजिकल कार्ड का ऑप्शन आता है, नहीं तो ये कि वहाँ पे आपको वो कहते हैं कि आपकी कंट्री में हमारे पास जो है ये वाली फैसिलिटी नहीं है आपकी कंट्री के लिए कि आपको हम फिजिकल कार्ड जो है वो दे सकें, लेकिन हमारा काम इसी से चल रहा होता है। तो जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपने कार्ड पे जाना है, गेट अ डिजिटल कार्ड पे क्लिक करना है, गेट अ डिजिटल कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा, आपसे कहेगा कि एक तो आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं, उसके लिए आपसे वो मांगता है ईआईएन वाला डॉक्यूमेंट जो कि आप पहले ले चुके होंगे। ईआईएन पे अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि ईआईएन हम किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, ईआईएन जब आप ईआईएन वाला डॉक्यूमेंट आपने उनको देना होता है, ईआईएन वाला डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे और साथ में एक पेमेंट आपने छोटी सी अपने अकाउंट में डालनी होती है $20 की, $20 वो जो $20 हैं वो आपको कहीं पे भी डिडक्ट नहीं हो रहे होते, वो आपके अकाउंट के अंदर ही ऐड हो रहे होते हैं। उन्होंने एक सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है, आप समझते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने अकाउंट में एक इनिशियल डिपॉजिट करें ताकि आपको जो है हम कार्ड प्रोवाइड कर सकें। वही वो भी सेम वही मेथड होगा जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट में $31 पे कर रहे होते हैं, उसी तरह से आपने $20 पे करने हैं और वो $20 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये आपका जो था सारा वाइज बनाने का तरीका था, और यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं अब थोड़ी सी अपनी भी प्रमोशन कर लूँ कि अगर आप फर्ज करें हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं वाइज अकाउंट के हवाले से, वाइज अकाउंट नहीं तो और भी फर्ज करें, एलएलसी बनाना चाह रहे हैं, ईआईएन लेना चाह रहे हैं, ईआईएन में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, facebook.com/thealphacommerce ये आपने लिख के सर्च करना है और ये हमारा फेसबुक का पेज आ जाएगा। इस पेज पे जाके आपने हमें इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, या फिर एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से, ईआईएन के हवाले से, या आपकी सेल्स टैक्स की जो रिटर्न्स होती हैं वो अगर आप फाइल करवाना चाहते हैं, मतलब सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह वो जो हमारे जो पेज पे आप आएंगे वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और शायद आपको कुछ और भी वीडियोस इस तरह की मिल जाएं जो आपके काम आ जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।